हाय फ्रेंड्स दिस इज जागृति फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड एवालशन सो इन फाइव स्टेप्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जाना है एंड आज इस वीडियो में हम लोग असेसमेंट्स ओनली जो नर्सिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट नर्सिंग असेसमेंट इसके बारे में जानेंगे डीपली सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स असेसमेंट क्या होता है मींस असेसमेंट जो होता है वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा होता है उसका एक लॉजिकल कलेक्शन होता है असेसमेंट मींस जो भी नर्सेज होती हैं बिफोर नर्सेस प्रोसीज प्लान उससे पहले असेसमेंट किया जाता है असेसमेंट जो है वो हेल्प करता है क्लाइंट को uh, एक क्लाइंट uh, को काइट right करने के लिए सो फर्स्ट स्टेप जो नर्सिंग प्रोसेस का होता है दैट इज़ कॉल असेसमेंट फ्रेंड्स जो असेसमेंट होता है वो क्यों किया जाता है पैसे का ताकि जो क्लाइंट है उनसे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेश्स है उनको हम इकट्ठा कर पाएँ गैदर कर पाएँ एंड नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन क्लाइंट नॉर्मल फंक्शन मीन्स जो क्लाइंट है वो शारीरिक रूप से फिजोलॉजिकल मतलब फिजिकल जो है वो वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है उनके नॉर्मल फंक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए असेसमेंट किया जाता है एंड नेक्स्ट इज़ जो भी इंफॉर्मेश्स है उनको कलेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए असेसमेंट किया जाता है एंड नेक्स्ट इज़ टू इनहस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम मींस जो भी नर्सिंग प्रॉब्लम है जो भी मींस uh, जो भी प्रॉब्लम uh, है क्लाइंट से रिलेटेड उनको उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए असेसमेंट किया जाता है एंड नेक्स्ट इस टू फ्री नर्सिंग डायग्नोसिस जो भी असिसमेंट जो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद असमेंट करने के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेप पे आ जाता है सो so, नर्सिंग डायग्नोसिस करने के लिए भी पह, उससे पहले असमेंट किया जाता है एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो असेसमेंट uh, के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं सो टाइप्स ऑफ असेसमेंट फोर टाइप्स के होते हैं इनिशियल असेसमेंट फोकस असेसमेंट इमरजेंसी असेसमेंट टाइप लैप असेसमेंट सो फ्रेंड्स इन चारों के बारे में जानेंगे इनिशियल असेसमेंट क्या होता है फोकस असेसमेंट क्या होता है इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है एंड टाइप लैपस्ट असेसमेंट क्या होता है सो so, इनके बारे में जानते हैं फर्स्ट इज़ इनिशियल असेसमेंट सो इनिशियल असेसमेंट क्या होता है फ्रेंड्स इट इज़ डन विद द विद इन स्पेशल टाइम आफ्टर एडमिशन टू हेल्थ केयर एजेंसी इट कैद डेटा कंसिड्रेशन आल एस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट हेल्थ फ्रेंड्स जो इनिशियल असेसमेंट होता है ये तब किया जाता है इनिशियल असेसमेंट का मींस जो भी स्टार्टिंग में जो हम जो भी प्रॉब्लम आ रही है मींस क्लाइंट का हम जब क्लाइंट का एडमिशन होने के बाद जो भी हम info, जो भी हम प्रॉब्लम uh, देख पा रहे हैं उससे उसके सारे रूप से तो जो भी हम नोट no डाउन करते हैं स्टार्टिंग में दैट इज़ कॉल इनिशियल असेसमेंट नेक्स्ट इज फोकस असेसमेंट फ्रेंड्स फोकस असेसमेंट क्या होता है मींस जिस भी पेशेंट की जो भी डिसीज़ है उसका डायग्नोस हो चुका है मीन्स पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस हो चुका है सपोज दैट पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज है डायबिटीज़ से रिलेटेड क्या होता है डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी अदर प्रॉब्लम्स हैं तो डायबिटीज से जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उन पे फोकस किया जाता है दैट इज़ कॉल फोकस असमेंट नेक्स्ट इज इमरजेंसी असमेंट सो इमरजेंसी असेसमेंट फुलेंस जो होता है वो सडनली फिजोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिक जो क्रिसिस होते हैं इनमें मदद करता है एंड जो भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है इमरजेंसी असमेंट नेक्स्ट इज टाइम लैपेस्ट असेसमेंट सो टाइम लैपेस्ट असेसमेंट फ्रेंड्स क्या होता है दिस इज़ डन सेवरल मंथ टाइम असमेंट जो होता है वो सेवरल मंथ पीक्स आफ्टर इनिशियल असमेंट इनिशियल असेसमेंट के बाद ये सेवरल uh, मंथ में किया जा सकता है पीक्स में किया जा सकता है मीन्स समय समय पर जब आपको ज़रूरत हो असेसमेंट की तब ये असेसमेंट किया जाता है पैसेंट से पूछा जाता है मंथ में मतलब केयर देने के बाद इनिशियल असमेंट करने के बाद क्लाइंट से मंथ में वीक्स में ये पूछा जाता है मतलब वो जो भी हमने केयर दी है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है सो so, ऐसे जान सकते हैं समय समय पर जो आपको ज़रूरत हो असेसमेंट की तभी असेसमेंट किया जाता है दैट इज़ कारस्ट असेसमेंट नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड्स कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट असेसमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं कलेक्टिंग डेटा ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड वेलिडिटिंग डेटा एंड रिकॉर्डिंग डेटा ट्रेंड जो कलेक्टिंग डेटा है इसमें हम सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा ये भी जानेंगे एंड डेटा को कहाँ कहाँ से सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा मतलब कहाँ कहाँ से डेटा को कलेक्ट करते हैं ये भी जानेंगे सो स्टार्ट फर्स्ट इज कलेक्टिंग डेटा सो कलेक्टिंग डेटा क्या होता है फ्रेंड्स डेटा कलेक्शन इज़ द प्रोसेस डेटा कलेक्शन जो होता है एक प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का क्लाइंट की हेल्थ के लेवल के स्टेटस को जानने का ये एक प्रोसेस होता है इट इंक्लूड इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं इसमें नर्सिंग हिस्ट्री नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री फिजिकल असमेंट फिजिशियन हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट डायग्नोसिस टेस्ट ये सब इंक्लूडेड होते हैं टाइप्स ऑफ डेटा डेटा कितने प्रकार के होते हैं सो टू देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा सो वट इज सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा सब्जेक्टिव डाटा जो क्लाइंट uh, अपने वर्ड्स में इट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम इन हिस्स और हर ऑन वर्ड्स सब्जेक्टिव डेटा जिसे कहते हैं जो क्लाइंट होता है विक्टिम है तो वो जो अपने शब्दों में अपनी प्रॉब्लम बता रहा है दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव डेटा नेक्स्ट इज़ जो ऑब्जेक्टिव डेटा डेटा होता है एज अ नर्स जो नर्स क्लाइंट को ऑब्जर्व कर रही है कि उसे क्या प्रॉब्लम है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डेटा नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड सोर्स ऑफ डेटा सो कहाँ कहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है सो प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स फ्रेंड्स जो प्राइमरी सोर्स होता है मींस जो पेशेंट खुद ही एक सोर्स होता है अपनी प्रॉब्लम को बताता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स मींस जो पेशेंट अपने आप नहीं बता पा रहा है किसी के थ्रू हमको जो डेटा है वो मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स सेकेंडरी सोर्सेज में फ्रेंड्स फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर आ जाते हैं हेल्थ केयर टीम आ जाती है रिकॉर्ड्स आ जाते हैं एंड रिव्यू ऑफ बुक्स आ जाता है सो so फ्रेंड्स जो फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर्स में जो सपोज दर्स इन्फेंट है मीन्स एक चाइल्ड uh, होता है वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं बता पाता है तो उसके उसकी uh, जो भी सारे ड्रूप से जो भी उससे प्रॉब्लम्स हैं वो उनके फैमिली बताता है तो उनकी फैमिली या सिग्निफिकेंट अदर्स जो होते हैं वो बताते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर्स यानी कि सेकेंडरी सोर्स में ही आते हैं नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर टीम यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं नर्सेज होते हैं उनसे जो हमको डेटा क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ केयर टीम रिकॉर्ड से जो हमें डेटा मिलता है जो रिकॉर्ड्स होते हैं क्लाइंट से रिलेटेड उनसे जो डेटा मिलता है उससे वो भी सेकेंडरी सोर्सेज में होता है जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स में पास्ट हेल्थ पैटर्न इम्यूनाइजेशन या जो भी अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स लेबोरेटरी टेस्टर्स वगैरह होते हैं उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो सेकेंडरी सोर्सेज में आता है फोर्थ uh, हमारा जो आता है सेकेंडरी सोर्स में रिव्यू ऑफ बुक सो रिव्यू ऑफ बुक में अप टू डेट नॉलेज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नर्सेस के लिए सो so, ये हम लोगों ने जाना है सोर्सेस ऑफ डेटा नेक्स्ट जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या होता है जो फ्रेंड्स हम लोग कितना डेटा कलेक्ट किया कितना डेटा हम लोग कलेक्ट किया वह सब कलेक्ट करके हमें रखना होता है सब डेटा ऑर्गेनाइज करना होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग डेटा नेक्स्ट इज वैलिडेटिंग डाटा सो वैलिडेटिंग डाटा क्या होता है फ्रेंड्स वैलिडेटिंग मीन्स क्रॉस चेकिंग वैलिडेटिंग मीन्स क्या होता है क्रॉस चेकिंग कलेक्टेड इंफॉर्मेशन वैलीडेटेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा कैन बी डन बाय फॉलोइंग वैलिडेटिंग डेटा मीन्स हमें डेटा को चेक करना होता है रिचेक्ट द कलेक्टेड डेटा जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको दोबारा से चेक करना है एग्जाम्पल क्या है इसमें फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं चेकिंग पल्स जैसे कि पल्स चेक करना है सभी जहाँ से हमने पल्स चेक की है वो अदर हमें फिर से पल्स को चेक करना है अलग अलग साइड से बीपी जो मेजोर किया है तो अलग अलग साइड से हमें फिर से बीपी मेज़र मेजोर करना है कि जितना हमारा बीपी आया है करेक्ट उतना है या नहीं सो रीचेक करना होता है एंड कन्फर्म द सब्जेक्टिव थ्रू ऑब्जेक्टिव डेटा जो भी पैसेंट ने बोला है अपने वर्ड्स है सो सब्जेक्टिव डेटा को ऑब्जेक्टिव डेटा से कन्फर्म करना होता है सो so, ये इस प्रकार के डेटा को हम वैलिडिटी डेटा कहते हैं नेक्स्ट हमारा है रिकॉर्डिंग डेटा रिकॉर्डिंग डेटा मीन्स टू कम्प्लीट दसेसमेंट असमेंट कम्प्लीट होने के बाद फेजिस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स फ्रेंड्स असेसमेंट फेज कंप्लीट करने के बाद हमको जो इम्पोर्टेंट uh, है मीन्स रिकॉर्ड तैयार करना हम सब अपना रिकॉर्ड तैयार करते हैं क्लाइंट से रिलेटेड दैट इज़ कल रिकॉर्डिंग डेटा आई होप आपको फ्रेंड ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मेर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग